हाय गाइस, थैंक यू सो मच टू कम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो थ्री स्टेप्स और थ्री क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिलेशनशिप के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वो क्या ऐसी क्वालिटी होती है अच्छे रिलेशनशिप में, इसके बारे में पूरी बात होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं कोई भी लव गुरु नहीं हूँ जो आपको ये बताऊँ कि अच्छे रिलेशनशिप का डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी हम आज की इस वीडियो में तीन क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे जो एक अच्छी रिलेशनशिप में हमेशा देखा गया। तो आपने देखा होगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, चाहे वो घर में मम्मी और बेटे का रिलेशनशिप हो, चाहे पिता और बेटी का रिलेशनशिप हो, ये जो तीन क्वालिटीज़ है हर रिलेशनशिप में आती है, तो इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो जो मेरी पहली क्वालिटी जो मैंने नोटिस की है, आप मुझे वैसे बताइएगा कमेंट में कि ये जो क्वालिटीज़ मैं बता रहा हूँ क्या आप इस क्वालिटी से एग्री करते हो या आपकी कोई और क्वालिटीज़ है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं भी देखता हूँ, ज़रूरी नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही आप सोचें, ठीक है। तो जो पहली क्वालिटी है वो है रिस्पेक्ट। कोई भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशन है, तो वहाँ पे जो है रिस्पेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपका जो पार्टनर है वो आपका रिस्पेक्ट करता है, वो सिर्फ पूरे टाइम बोल नहीं रहा, आप क्या बोल रहे हो वो सुन भी रहा है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, हर डिसीजन में जब भी वो आगे जा रहा है तो आपको सामने ले करके आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, और जहाँ पे ज़रूरत है आपको रिस्पेक्ट देने की, अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हो गई है जो अच्छी नहीं थी, तो वहाँ पे वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सिर्फ अपनी ही बातें कर रहा है या आपकी बुराई कर रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हो गाइस, तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलता है। प्योर रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करे, तो मेक श्योर कीजिए कि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जब आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो तभी जा करके सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप रिस्पेक्ट कीजिए। तो ये पहली क्वालिटी थी कि आप रिस्पेक्ट कीजिए लोगों को, तब जाकर के लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। सेकेंड, किसी भी अच्छी रिलेशनशिप में आपने देखा होगा कि नो एक्सपेक्टेशन, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरी दूसरी टिप है या मेरी जो दूसरी क्वालिटी जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, आपने देखा होगा न्यू जो कपल्स होते हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनके लाइफ में कैसा होता है कि जब उनकी शादी होती है तो जो सो कॉल्ड पति होते हैं वो एक्सपेक्ट बहुत कर लेते हैं कि मेरी वाइफ आएगी तो वो पैर दबाएगी, मेरे घर का सारा काम करेगी, और मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ करेगी, मतलब पैर दबाएगी, घर का काम करेगी, सब काम करेगी, ऑफिस जाएगी, ये सब। देखिए, एक्सपेक्टेशन करना ये बुरी बात नहीं, लेकिन आप ज़्यादा एक्सपेक्ट जो कर लेते हैं ये तब प्रॉब्लम होता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो आपकी वाइफ आए वो आपकी मॉम डैड की रिस्पेक्ट कर ही ले, हो सकता है कोई ऐसी वाइफ आए जो आपकी मॉम डैड की रिस्पेक्ट नहीं करे, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप उस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना। एक्सपेक्टेशन बुरी बात नहीं है, लेकिन यही सोचना कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसे ही होगा, ये बुरी बात है। तो आप इसका काफ़ी ध्यान दीजिए। देखिए, इन लोगों के केस में कैसे होता है जिनका नया नया शादी हुआ है, उनके केस में होता है कि जब वाइफ आएगी तो डेली पैर दबाएगी, और जब वाइफ पैर नहीं दबाती है तो यही सबसे बड़ी वजह होती है उनके घर में झगड़े की। तो मेक श्योर कीजिए कि आप एक्सपेक्ट नहीं करें लोगों से ज़्यादा, डोंट एक्सपेक्ट टू मच। कि मेरे दूसरे टिप थी, अगर आप अच्छी रिलेशनशिप चाहते हो तो ऐसा सोचिए कि ठीक है, अगर रिस्पेक्ट कर दी माँ बाप की तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो और अच्छी बात है, मैं कर दूँगा माँ बाप, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर हो सकते हो आने वाले समय के लिए, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वालिटी थी। तीसरी जो क्वालिटी थी गाइस, वो थी अंडरस्टैंडिंग। देखिए, कैसे होता है कि इस चीज़ के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, अंडरस्टैंडिंग, ये जो मेरा तीसरा टिप है इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कई बार कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं जहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं होती। अगर सामने वाला आपको सच्चा प्यार करता है तो आपकी आँखों में देख करके समझ जाएगा कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो उस मोमेंट में, आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो उस मोमेंट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपके डिसीजन ख़राब होते रहेंगे, तो उस समय जो आपका पार्टनर है क्या वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, क्या आप जिस हिसाब से फ्यूचर को देख रहे हो क्या वो आपको अंडरस्टैंड करके उसी हिसाब से फ्यूचर को देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए, अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी मम्मी के साथ अगर अच्छी रिलेशनशिप चाहिए तो सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कैसे होती है, जब आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करने के लिए जाते हो, जब आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करते हो तो धीरे धीरे सामने वाला भी आपको अंडरस्टैंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी रिलेशनशिप को उठा करके देख लीजिए, लोग यही सोचते हैं कि ठीक है वो आएगी तो मैं खुश रहूँगा, वो आएगी तो ये होगा, सामने वाला पर्सन आएगा तो मैं काफ़ी खुश रहूँगी अपनी ज़िंदगी में, तो मतलब किसी के आने से हम खुश रहेंगे, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि सामने वाला आएगा तो मैं ऐसा क्या करूँ कि वो खुश हो, मैं ऐसा क्या करूँ कि वो कंफर्टेबल हो।
तो यही बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो आप सोच रहे हो कि वो आएगी इतना काम करेगी तो मैं खुश रहूँगा, सेम वही वो भी सोच रही हो कि वो आएगा तो ये सब करेगा तो मैं खुश रहूँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि दोनों को चीज़ चाहिए, लोग दोनों खुश रहना चाहते हैं सामने वाले के काम करने से, लेकिन दोनों कुछ ऐसा नहीं कर रहे जिससे सामने वाला खुश रहे। ठीक है, तो ये तो तीन टिप थी मेरी, जो तीन टिप थी, तीन क्वालिटी थी ऑफ गुड रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप को ले लीजिए, मॉम डैड का रिलेशनशिप हो, जो आपकी मम्मी पापा है, जो उनके रिलेशनशिप आप उनमें भी देख सकते हो, आप खुद की रिलेशनशिप देख सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड से, आप बॉयफ्रेंड से आप रिलेशनशिप देख सकते हो, आप ब्रदर एंड सिस्टर की रिलेशनशिप देखते हो, वहाँ पर रिस्पेक्ट होती है, वहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है जिससे लोगों को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाओगे तो काफ़ी तकलीफ होती है। तीसरी जो मैंने आपको बताई कि अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करते हो तो जाकर के सामने वाला आपको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ये मेरी तीन टिप थी, आप मुझे बताइएगा ये टिप आपको किस तरीके से अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया ये सही है या नहीं है, या फिर कौन सी तीन टिप हो सकती थी जो इसमें इस वीडियो में काफ़ी अहम होती है। थैंक यू सो मच टू कम टू माई चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, मेक श्योर यू ऑन द नोटिफिकेशन, आप बार बार आते हैं चैनल पे, काफ़ी अच्छा लगता है सर जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, आप जो कमेंट करते हो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जो भी लाइक करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। मेक श्योर कि आप वीडियो को शेयर किए कीजिए, ताकि जो वीडियो है वो काफ़ी लोगों तक जाए, काफ़ी लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर यू लव एंड सपोर्ट, जय हिंद, धन्यवाद।